हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर कंपोनेंट। ऑलरेडी हम इस पे दो सेट कर चुके हैं, ये रहने वाला है इसका थर्ड सेट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फो की हमारी ऐप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, उस पे 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको, जिसमें जो स्पेशल फोकस है दैट इज ऑन स्पेशलाइजेशन पोर्शन। उसी के साथ आपको मिलेंगे PDFs ऑफ ऑल माई लेक्चर, जो आपको हेल्प करने वाली है रिवीजन में। आप फास्टली उनको गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिवीजन है, आपकी जो तैयारी है, और स्ट्रेंथन हो जाए ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 99। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो पहले 5 to 6 क्वेश्चंस है दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर ऑफ JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम, जो 2015 में सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसका अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड, कंडीशनल बेस्ड हैं, ठीक है। चाहे वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड हों, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स से, ह्यूमन राइट्स से, या फिर कंप्यूटर्स के, तो केस स्टडी के बेस पर बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनके लिए भी आप तैयार रहें। सो द पहला क्वेश्चन आज के एमसीक्यू सीरीज का रहने वाला है, सनाज फेसबुक अकाउंट वॉज हैक्ड बाय समवन हु वॉज पोस्टिंग ऑब्सीन मैसेजेस टू हर फ्रेंड यूजिंग हर अकाउंट शी इज सफरिंग फ्रॉम। सो ये जो इंसिडेंट है, इसे आप किसके अंडर लेंगे? ऑप्शन 1 है साइबर बुलिंग, ऑप्शन 2 है साइबर जोक, ऑप्शन 3 है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन 4 है साइबर अटैक। देखिए, इस केस में अकाउंट को हैक किया गया है और उसके नाम पर उसके फ्रेंड को ऑब्सीन्स मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। बुलिंग में क्या होता है, बुलिंग में अकाउंट को हैक नहीं किया जाता, फेक अकाउंट जनरली बनाए जाते हैं और आप कहें तो क्रिटिसाइज किया जाता है या बुली किया जाता है, बॉडी शेम किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पर्सन उन्हें बुली करता है। सो इस पे हैकिंग नहीं होती, बट यहाँ पर हैक हो रहा है। सो साइबर जोक नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं, सो इट इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ साइबर अटैक, ठीक है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, एक्चुअल में आप मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ प्रिटेंडेड कि आपने किया है, ठीक है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर अटैक। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन यू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन? मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं? 1 इज MS Word, 2 इज MS Excel, 3 इज MS PowerPoint एंड 4 इज MS Access। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is an advantage of social networking site? 1. Increased face-to-face interaction. 2. Very easy to keep in contact with people of similar interest. 3. Decreased crime. 4. Increased retention power. So, social networking site say, which of the following is an advantage? आपसे उनका जो benefit है वो पूछा गया है कि उससे क्या फायदा है? तो पहला, फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं होती यहाँ पर। सोशल नेटवर्किंग साइट एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं है। क्राइम रेट तो बड़ा है सोशल नेटवर्किंग साइट से, साइबर बुलिंग हो, साइबर अटैक हो, आइडेंटिटी थेफ्ट हो, ये सब चीज़ें बड़ी हैं। इंक्रीज रिटेंशन पावर, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिटेंशन पावर फर्दर डिक्रीज हो गई है, क्योंकि जो अटेंशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो डाइवर्ट हो गई है। वीडियोज़ की जो लेंथ है, इट इज़ गेटिंग शॉर्टर डे बाय डे। रील्स 1 मिनट की, शॉर्ट्स 1 मिनट की, तो माइंड जो है इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकते, यू गेट बोर्ड, ठीक है। तो रिटेंशन पावर तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से डिक्रीज हो रही है। सो इसका जो एडवांटेज है वो है, वेरी इजी टू कीप कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। What is the keyboard shortcut for locking the system? सिस्टम को लॉक करने का शॉर्टकट की कीबोर्ड का क्या है? विंडोज लोगो की प्लस एल, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस टैब और कंट्रोल प्लस एल। सो सिस्टम को लॉक करने का, इट इज विंडोज लोगो की प्लस एल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टर ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? नॉट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी इस तरह के वर्ड्स आए, की वर्ड्स, नॉट, नो, नेवर, आप ये क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर लें ताकि आप इसे स्किप ना करें, ठीक है। अब हमें इनमें से बताना है कौन है, कौन सा ऑप्शन जो है नेटवर्किंग साइट का फीचर नहीं है। 1 इज इट इज अ वेब बेस्ड सर्विस, यस इट इज।
इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म, यस इट इज. इट इज अ गुड मीडिया टू मेंटेन सोशल लाइफ, यस डू इट इज. इट इज अ गुड मीडिया टू रिजर्व ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आपको बहुत फेक अकाउंट, आप कौन आपको मैसेजेस कर रहा है, यू कैन नॉट असर्टेन कि जो आपको मैसेज कर रहा है, जो नेम जो पिक उस पर लगाई गई है वो उसी पर्सन की है. ठीक है, दैट पर्सन इज मैसेजिंग यू. इतना एनोनिमिटी है इस साइट में, नेटवर्किंग साइट में, कि ऑथेंटिसिटी का तो नाम ही नहीं है. दैट इज वाई यहाँ पे क्राइम रेट जो है इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एनोनिमिटी की वजह से जो भी कल्प्रिट है उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो ऑथेंटिसिटी इज नॉट देयर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरनेट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा, ऑल ऑफ दीज. सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क विच हेल्प्स टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? वर्किंग विंडो वेब, वेब विंडो वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, और none of these. So WWW stands for World Wide Web. इस तरह के common questions भी पूछे जाते हैं. Next is, what is the URL of a website? It is Uniform Resource Locator. So option one is, it is the location of website on internet, it is used to create internet, it is location of peripheral on internet, none of these. So URL is a location of website on internet. The World Wide Web was invented by Steve Jobs, Tim Berners-Lee, Ray Tomilners, all of these. So the correct answer is Tim Berners-Lee. Which of these is correct email address? Username @website@com, username.website.com, username website@com, username@website.com. So email address hota hai username@website.com. Like @gmail.com, @yahoo.com, etc. Okay. Who invented email? Larry Page, Tim Berners, Ray Tomlinson, all of these. So email invented hua tha by Ray Tomlinson. The S in HTTPS stands for, HTTPS is Hypertext Transfer Protocol, and C for secure. Many options. Answer hi bol diya. Chalo. So the correct answer will be option 2, secure. Okay. So the S in HTTPS is secure. @ in an email address is used to separate username from ISP. ISP is Internet Service Provider. ठीक है, ISP is Internet Service Provider. Create password for email. Add strength to email. None of these. So @ किस लिए यूज किया जाता है? जैसे हमने देखा कि @gmail.com यूजर नेम होता है, फिर @ होता है, फिर सिस्टम जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, and then .com. So it helps in separating the username from ISP, Internet Service Provider. A good password must contain. आप एक किसी भी आप वेबसाइट पे गए होंगे, अपनी आईडी बनाई होगी, तो पासवर्ड के लिए आपने इस चीज़ को ज़रूर फेस किया होगा कि वहाँ पे mentions होता है कि एक गुड पासवर्ड के लिए आपको अपने पासवर्ड में किस किस चीज़ को इंक्लूड करना है. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन यू कैन ईजिली मार्क. ऑप्शन 1 है कैपिटल एंड स्मॉल केस लेटर, 2 है एटलीस्ट वन नंबर,
थ्री है एटलीस्ट वन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और फोर है ऑल ऑफ दीज. सो एक अच्छे पासवर्ड में, एक गुड पासवर्ड में या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यू कैन से, ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है. एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक नंबर भी एटलीस्ट होना चाहिए और एक एटलीस्ट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लाइक एट द रेट, स्टार, हिस्ट्रिक, ये सब भी होना चाहिए. व्हाट डज आईपी स्टैंड्स फॉर? इंटरनेट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, इंटरनेट प्रोटोकॉल. व्हाट इज बीसीसी इन ईमेल? ईमेल में जब आप कोई कंटेंट को, किसी फाइल को फॉरवर्ड करते हैं, कॉपी करते हैं विदाउट लेटिंग द रिसीवर नो कि वो कॉपी है, देन बीसीसी इज यूज्ड. सो व्हाट इज इट? ब्लॉक कंटेंट क्रिएशन, बिहाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नन ऑफ दिस. सो बीसीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. Which of the following is usually connected to computer with the help of cable? Cable की help से आप computer में क्या किस चीज़ को connect करते हैं? Option A is icon, option B is database, C is peripheral device and D is virus. So virus को तो आप connect नहीं करना चाहेंगे computer से. So icon computer के system के अंदर ही होता है, display पे, desktop पे दिखता है. So correct answer will be option C, peripheral device. When you save the following, the data would remain intact even after turning off computer. किस मेमोरी में स्टोर करने पर जो डेटा है इंटैक्ट रहता है अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो भी? सो रैम, मदरबोर्ड, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सो अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को स्टोर कर देते हैं तो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी मेमोरी नहीं वॉश होती, बट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी इट गेट वॉश ऑफ जैसे ही कंप्यूटर जो है टर्न ऑफ होता है. व्हाट डिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड एंड कनेक्ट्स द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड? सीपीयू को मदरबोर्ड से और बाकी कंपोनेंट से कौन सी चीज कनेक्ट करती है? इनपुट डिवाइस, सिस्टम बस, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी. अब देखिए मेमोरी तो रैम है, कैच है, वो तो सीपीयू को कनेक्ट नहीं करता. एएलयू इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू, तो ये कैसे कनेक्ट करेगा? इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये तो डेटा को इनपुट करने में हेल्प करता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सिस्टम बस. सो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का नहीं पता है बट ऑप्शंस में से आप एक दो ऑप्शन को जानते हैं सो यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर. सो इट ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस चीज़ को जो है जान लेंगे. ठीक है, वन कैन चेंज द कलर, डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग कंटेंट. कंटेंट का कलर चेंज करने के बगैर या कंटेंट को चेंज किए बगैर ऑब्जेक्ट्स के कलर को किस तरह चेंज किया जा सकता है? फॉन्ट कलर, ऑब्जेक्ट कलर, लेआउट सेक्शन और कलर स्क्रीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना स्कोर लिखेगा कि आपने कितना स्कोर किया है एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन. सो आज की एमसीक्यूज़ के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक, जैसा आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे. आप बोल रहे हैं कि थर्ड यूनिट पे एमसीक्यूज़ करने हैं ह्यूमन राइट्स पे. सो आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डू एमसीक्यूज़ ऑन ह्यूमन राइट्स. ठीक है, फिर इंग्लिश पे भी हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे. अगर कंप्यूटर्स या साइंस पे आपको और एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. टिल देन आप हार्डवर्क करते रहिए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन थॉरली कीजिए. टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.